जो सामान है, कुछ चीजें मेरे पास काफी हद तक चीजें रखी हुई हैं तो रमजान के लिए, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि वो अभी ना लूँ, क्योंकि जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाएगा वैसे वैसे आता भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ रखा है, जेलियां ये वो, अब जितना जो नहीं है उसकी पर्चियां बना रही हूँ, और पर्ची बनेगी, मतलब पर्चियां नहीं बनेंगी, पर्ची बनेगी। और बस ये सब साथ साथ चेक भी हो रहा है फ्रिज, इसीलिए मैंने करवाया कि देखूं कि क्या है क्या नहीं है, ब्रेड क्रम्ब भी इस तरह के पूरे पैकेट मेरे पास हर चीज के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बाहर के काम भी करती हूँ, बाहर की कुकिंग के भी, तो मेरे पास काफी कुछ रखा भी होता है, तो इसलिए मुझे इतनी भागा भाग नहीं होती है चीजें लेने की। ये भी रखी हुई है, और बहुत सारा मेरे पास प्लास्टिक का नया डब्बे, नया सामान, नया प्याला, सब कुछ रखा हुआ था मेरे पास। जेलियों के बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं, इतने सारे पैकेट रखे हुए हैं जेली के भी, क्योंकि मैं आती जाती हूँ तो फिर लेती रहती हूँ, तो वो भी मैं अभी नहीं लूंगी फिलहाल, फिर जब जरूरत होगी। रसमलाइयाँ रखी हुई हैं, सब कुछ रखा हुआ है, तो बस आज यही सब कुछ फ्रिज में से चेक भी हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमें चाहिए होगा, सब कुछ रखा है, तो तकरीबन चीजें रखी हैं। और ये सब छोटे छोटे दही बड़ों के पैकेट रखे हैं काफी मेरे पास, ये चीजें रखी हुई हैं, इतनी सारी चीजें रखी हुई है, चने के जो आट चने की जो चने होते हैं, जो छोले चने होते हैं, जो वो भी रखे हुए हैं, इसके दो दो तीन तीन पैकेट रखे हुए हैं, ये देखें ये सब रखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें मैं चेक कर रही हूँ, और वो सब चीजें मैं दालें सारी रखी हुई हैं पूरे पूरे पैकेट, और काफी हद तक दालें जो है वो मैं इस डब्बे में डलवा चुकी, सब कुछ। इमलियां रखी हुई है मेरे पास, ये काले चने के पैकेट दो दो रखे हुए हैं, तो मैं अभी रमजान की जो ग्रोसरी है वो उसको ज्यादा नहीं अभी स्किप करूंगी, और जो बहुत ज्यादा जरूरी सामान है जो किचन में चाहिए होता है वही सारी चीजें लूंगी। सोया सॉस, अच्छा वो काला सोया सॉस लिखो, काला सोया सॉस खत्म हो रहा है। जी मम्मा लिख दीजिए। हाँ, और ये चिली सॉस पूरा एक पैकेट भरा हुआ है, ये डब्बा भरा हुआ है, तो वो भी नहीं लेंगे अभी। और सब ये चीजों की आज सफाई हो रही है, आज बस यही सारी चेकिंग हो रही है, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी। ये देखिए बहुत सारे डब्बे भी रखे हुए हैं, इनमें भी क्या क्या है, कॉर्नफ्लोर भी रखा है, जेली भी रखी है, कस्टर्ड भी रखे हैं, और कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर में डाल दो, नहीं, खत्म होने वाला है, उसमें भी डाल दो। और बस ये सब चीजें आज चेक हो रही हैं, सफाइयां घर की चल रही हैं, और ये आखिरी सफाई है, क्योंकि फिर अब राशन वाशन ये वो गोश्त लेंगे, और फिर थोड़ा बहुत जो है वो प्रिपरेशन करके थोड़ी सी रखेंगे, ज्यादा तो नहीं रखती मैं, रोज कर लेती हूँ, और फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करके भी रखेंगे, तो एक दो रोजे जो स्टार्ट के होते हैं थोड़े मुश्किल और नए नए लगते हैं, तो क्या होता है, तो बस ये सब चल रहा है, सुबह का टाइम है, और फिर आगे जो भी रूटीन रहेगी और आगे जो भी करूंगी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और शहजादी ज़ैनब का यही हमेशा की तरह कि मम्मा मैं मैगी बना के खा लूँ, ये देखें इसकी मैगी बन रही है, और नाश्ता और रोटियां वगैरह सब हो गई हैं, लेकिन उसे नहीं करनी है, तो अब इसका भी मैं ज़रा देखती हूँ शहजादी को भी क्या नाश्ता करेगी। और अभी टाइम क्या हुआ है, 12 बजे, हाँ सुबह के 12 बज रहे हैं, और हम इस सिचुएशन में हैं। ये फ्रिज भी माशाल्लाह बिल्कुल साफ हो गए हैं, और अब इसमें सेटिंग भी बिल्कुल सही से हो गई है। ये इमली मैंने सुबह भिगो दी थी, और इमली मैंने 3 पैकेट भिगो दिया था सुबह, और मैंने ये डब्बे भी निकाल लिए, अब इसमें इमली जब हो जाएगा तो इसका पेस्ट बना के, और थोड़ा सा पेस्ट को मैं पका लूंगी, और इसमें कोई चीज़ डालूंगी नहीं, सिर्फ पेस्ट को थोड़ा सा मैं पका लूंगी, क्योंकि फिर तरह तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह से चाय होता है, तो बस इसको ज़रा सा मैं पकाऊंगी, और इसको मैं इन डब्बों में भर के रख दूंगी। लाइट कलर है,
इम्तियाज से फिर वापसी में रात को डिनर किया बाहर और एंजॉय किया डिनर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं और मैंने ये पतीला लिया है क्योंकि मेरे जो पहले के पतीले थे काफी यूज हुए थे तो वो सारे जो थे वो खराब अंदर से जो खराब होने लगते हैं और मेरी जरा स्टील के चमचों की आदत है तो थोड़ा इससे भी ज्यादा खराब हो गए थे, बाकी धुले हुए साफ थे तो वो मैंने फिर अपनी मेट्स वगैरह को दिए और अब मैं ये नए लेके आई हूँ ताकि वो भी इस्तेमाल करें, उनको भी खुशी हो और मैं भी खुश हो जाऊँ नए नए बर्तन लेके। तो जरूरी है जरा थोड़ा बहुत रमजान के लिए। और ये कप लिए हैं इम्तियाज में, ये कप थोड़े मुझे महंगे मिले, बाकी हम आम जगहों पे जाते हैं तो इतने ज्यादा महंगे नहीं होते, बाकी हैं अच्छे ये कप और अच्छी क्वालिटी है इसकी इनकी कपों की। और ये मैंने लाइट कलर लिए हैं, इंशाल्लाह मैं रमजान से ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगी। और ये कप भी मैंने लिए हैं, ये दो अलग अलग कलर के लिए हैं क्योंकि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उस टाइप उस हिसाब से कप लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैंने ब्लैक कपड़े पहने तो मैंने आकर फौरन फ्रेश होके ब्लैक कप में चाय पी रही हूँ ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, दिल पे नहीं लीजिएगा अच्छा ये मैंने ट्रे लिए और ये एक टेबल के कवर था मेरे पास, अभी रिसेंट मैंने लिया था। और एक ये मेरे ड्राइंग रूम में जो चाय जहाँ हम बैठ के पीते हैं वहाँ के लिए एक कवर ले लिया है। और ये एक जग लिया है मैंने, ये जग है। और ये मैंने शरबत वगैरह के लिए और नया लिया है। और ये बेकिंग की ट्रे मेरी खराब हो रही थी तो ये मैंने बेकिंग की ट्रे ले ली है, दोबारा नई ले ली है और वो वाली जो है वो खत्म कर दी है। ये कुछ सामान था मेरे पास लेकिन मैंने ये ले लिया है। और ये मैंने एक नया स्पैचुला लिया है और ये लिया है। और ये एक प्याला लिया है मैंने तो ये मुझे मैरिनेशन के लिए या केक का बैटर के लिए, या तो मैंने ये सारी चीजें ले ली हैं, वो कढ़ाई ले ली है ऊपर जो है। अब मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है रमजान में इंशाल्लाह रमजान शरीफ आएंगे तो यूज करूंगी और ये सब कुछ ले लिया है मैंने। तो बस ये ग्रोसरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और आज का व्लॉग ये बना, सुबह सफाइयों का काम हुआ और फिर शाम को थोड़ी सी ये क्रॉकरी शॉपिंग की मैंने। और अब आगे आगे सब काफ़ी दिन है अभी तो ऐसा ऐसा सब चलता रहेगा और अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। तो कल मिलती हूँ फिर एक अच्छी से प्यारे से व्लॉग के साथ, अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।